नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूं अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों ये देखिए मेरे कुछ एटेनियम के प्लांट्स हैं और मैंने दो कटिंग्स लगाए ही थे और उसी कटिंग्स को आज मैं लगाने वाली हूं, पॉट देने वाली हूं। तो ये रहे वो कटिंग्स, दो कटिंग्स हैं यहाँ देखिए, और बहुत अच्छी तरह से ये चल गए हैं। तो मैं ये आज लगाकर आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं ये पॉट ली हूँ, ये दो प्लास्टिक के पॉट हैं, चार चार इंच के पॉट हैं, चार या पांच होंगे। तो इसी में मैं लगाऊंगी। इनमें देखिए बड़े बड़े होल भी मैंने कर लिए हैं, ड्रेनेज होल। तो पहले चलिए मिट्टी को बना लेते हैं। ये मैंने एक पार्ट ली है गार्डन सॉइल, तो एक हिस्सा इसमें मैं मिलाऊंगी। ये रिवर सैंड है, ये देखिए, और थोड़ी सी मैं इनमें मिलाऊंगी ईंट के टुकड़े, ये देखिए ईंट के टुकड़े। वर्मी कंपोस्ट एक हिस्सा, देखिए एक मुट्ठी नीम की खली, और ये थोड़ी सी बायो एंजाइम। ये मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये सारे जो मैंने मिलाए हैं, क्योंकि इसकी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए और पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। इसको डेजर्ट रोज भी कहते हैं एडेनियम को। तो इसकी मिट्टी जो है ये बिल्कुल सूखी रहनी चाहिए। तो ये देखिए, तो पहले मैं ये जो ड्रेनेज होल है इसको अच्छी तरह से कवर कर रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने ये थोड़ी सी इनमें सॉइल मिक्सचर डाल दी है, और दूसरा पॉट है इसको भी ड्रेनेज होल को थोड़ी सी कवर कर लेते हैं, और इसमें ये मिला लेंगे, रख देंगे थोड़े से सॉइल मिक्सचर। फिर ये जो प्लांट है इसको हम निकालेंगे। ये देखिए रूट बिल्कुल नीचे से बाहर निकल रही हैं। यहाँ देखिए बहुत अच्छी तरह से इसकी रूट बनी हुई है। इसको लगाते हुए मुझे 4 से 5 महीने हो गए हैं। यहाँ देखिए ये रूट बनकर तैयार है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी रूटिंग हुई है, ये देख रहे हैं। तो ये प्लांट्स को मैं खरीद के लेके आई थी, बहुत खूबसूरत सा कलर था, तो ये खराब हो गया, तो मैं इसकी कटिंग्स लगा ली थी। ये देखिए दोस्तों ये भी लगकर तैयार हो गया है। थोड़ी सी हम फंगीसाइड वाला पानी दे देंगे और इसकी अच्छी
तरह से फिर पानी देके इसको किसी छायेदार प्लेस में इसको रखें। तो दोस्तों ये मैंने पानी ले ली है 1 लीटर और मैं मिला दूंगी अभी फंगीसाइड और इनमें मिलाऊंगी थोड़ी सी एप्सम सॉल्ट। इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अच्छी तरह से पहली बार पानी ले देंगे ताकि ड्रेनेज होल से ये बाहर निकल जाए। और फिर दूसरी बार जब देंगे 2-3 दिन के बाद ही देंगे क्योंकि इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। और ये देखिए मिट्टी अभी सूखी है, धीरे धीरे करके ये पानी जाएगी। तो ड्रिंचिंग करनी है जैसे अभी पानी देने पड़ेंगे मुझे। और तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो एडेनियम प्लांट्स के बारे में। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।